channel. This is Imansi Yadav with you once again, guys. I'm very, very excited for this video as well. So, guys, I hope everybody is doing good. So, guys, if you're new to the channel, my name is Imansi Yadav and I'm crew for last 2 years, guys. So, guys, if you want to know anything about regarding cabin crew, regarding ground staff, so I'm there for you anytime, guys. So, please, nai videos ke subscribe kar di channel ko. Ki aapko bell ka notification plus bell dabaun chahiye. Aapko notifications milti rahe video ke regarding, okay? So, I'll be starting my today's vlog, which is very, very important. That is how to improve your communication skills. And this was a major question asked by everyone. The many, because thank you guys, each one of you writing the comments on the Instagram section. If you have not seen my Instagram, then that ID is mansiy2001. ठीक है, आप इंस्टाग्राम पर जाके मुझे कोई भी क्वेश्चन टाइप करके लिख सकते हैं जिस पे आप चाहते हैं कि जिस पे मैं वीडियो बनाऊं. सो आई विल बी रियली रियली हैप्पी. सो आई हैव चूजन योर कंटेंट, दैट इज योर जिस पे आप सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई. मैंने बहुत सारे यार, थैंक यू सो मच राइटिंग ऑल दिस कॉमेंट्स. एंड इतने सारे कॉमेंट्स आए थे रिगार्डिंग दिस ओनली, दिस वॉज अ मेन थिंग. द पीपल वर आस्किंग टू मेक अ वीडियो ऑन दैट. सो गाइस, अगर आप चाहते हो कि आप जानना चाहते हो कि इंग्लिश इंप्रूव कैसे करें, ठीक है, सो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट दैट. सो प्लीज वीडियो के साथ जुड़े रहिए लास्ट तक कि एंड तक आपको सारे के सारे पॉइंट्स आपको कुछ कवर हो जाए, तभी चलेंगे द पॉइंट्स विच विल हेल्प यू इन द इंटरव्यू एज वेल. सो प्लीज स्टे ट्यून विद माय वीडियो गाइस टिल द एंड, ओके? और गाइस, ब्लॉग आपके लिए जल्दी ही आने वाला है, ठीक है, बिकॉज आई नो आप लोगों ने बहुत ज्यादा ब्लॉग्स को लाइक किया था. थैंक यू सो मच यार, आई रियली लव यू गाइस. So I'll be starting with today's vlog, that is about improving the English and the four things which is very, very important. आप interview कैसे crack कर सकते हैं, ठीक है? So first point जरा जाते हैं, वो है आपका pronunciation. So pronunciation is very, very important, guys, because you know very well कि हम, चलो for example, ठीक है, ठीक है cricketer, ठीक है, हम cricketers को देखते हैं, English पहले improve ज़्यादा अच्छी नहीं होती. कुछ लोग की English काफ़ी अच्छी होती है कुछ cricketers की, और कुछ की English अच्छी नहीं होती. They take time and they improve. और इससे सबसे ज़्यादा improvement पता क्या चीज़ होती है? दैट इज़ दे हर दिन वो इंटरव्यूज देते हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. यू नो उनको एक हैबिट हो जाती है हर दिन इंटरव्यू देने की, हर दिन कोई सेशन अटेंड करते हैं वो लोग. सो दैट्स कम्स इन देयर हैबिट और वो हर दिन वो इम्प्रूव करता है, ठीक है. एंड वी नीड्स अ सच अ हैबिचुअल वर्क. लाइक अगर हम अपने टीथ ब्रश करें ना, दैट्स एन हैबिट, ओके. सो यू नीड टू मेक योर इंग्लिश इन योर लाइफ एक हैबिचुअल, एक हैबिट बनाना होगा कि वो इम्प्रूव हो जाए, ठीक है. सो ये चीज़ का ध्यान रखिए, हैबिट बनाइए इंग्लिश को तो ऑब्वियसली इम्प्रूव हो गया, ठीक है. सो एकदम प्रोनाउंसिएशन पे अपने वर्ड्स, नए वर्ड्स हर दिन सीखिए, ठीक है. आप कोई भी वर्ड्स नोटिस कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में, अपने जो भी आप इंग्लिश बोल रहे हैं उसमें अप्लाई कीजिए, ठीक है. जब अप्लाई करेंगे नए वर्ड्स, यू विल बी लर्निंग एवरी डे एंड हाउ टू स्पीक इन अ डिफरेंट वे. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. बिकॉज पता क्या होता है गाइस, स्कूल टाइम पे द पीपल जो हमारे स्कूल के टीचर होते हैं, दे डोंट फोकस कि हम इंग्लिश कितनी अच्छी इंप्रूव करेंगे, कितना अच्छा बोलेंगे. दैट डोंट दे डोंट फोकस ऑन दैट, ठीक है. हम सबको पता है उस चीज़ के बारे में. वो लोग हम स्कूल टाइम पर सिर्फ फोकस करते हैं कि हमारे एग्जाम्स मार्क्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. हम लोग उस पर फोकस करते हैं कि भाई मार्क्स अच्छा आने चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, ठीक है. सो गाइस, जस्ट बी फोकस फॉर दैट कि स्कूल टाइम में इंप्रूव करने का टाइम नहीं मिला, मुझे पता है, इट्स ओके, ठीक है. दैट्स नॉट अ बिग थिंग. सो गाइस, आपको इम्प्रूव खुद करना होगा, अपने लिए खुद हैबिट बनाइए और खुद अपने न्यू वर्ड्स हर दिन सर्च कीजिए. ऑलमोस्ट 10 या 20 वर्ड्स हर दिन सर्च कीजिए, उसको लिखिए और उसको याद करिए और साथ साथ उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए. अपनी लैंग्वेज में, अपनी जो भी आप इंग्लिश बोलोगे, आप उसको सेंटेंसेज में अप्लाई कीजिए, ठीक है. दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू. नेक्स्ट थिंग विच आई थिंक, बिकॉज जैसे इंटरव्यूज़ के लिए गाइस, है कोई भी आप इंटरव्यूज देते हो, नॉट ओनली कैबिन क्रू, बिकॉज आप कैबिन क्रू एक वर्ल्ड लेवल पे ट्रैवल करते हैं, ठीक है. आपको अलग अलग पैसेंजर्स मिलते हैं हर दिन, आपको अलग अलग लोग मिलते हैं बात करने के लिए, ठीक है. तो दैट वाई द पीपल आस्किंग फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम लोग के लिए, ठीक है. सो दैट इज़ अ मेजर मेजर थिंग. सो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है, नॉट ओनली फॉर कैबिन क्रू, टॉकिंग अबाउट गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी सिंगल जॉब इज देयर. सो इंग्लिश एंड फ्लुएंट इंग्लिश इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो उस चीज़ का आप ज़रूर ज़रूर ध्यान रखिए, ठीक है. क्योंकि आपसे एक इंसान, ये नहीं है कि इंडिया से ही लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप इंडिया से ही लोग आए तो आप उनसे बात करें, ऐसा नहीं होता. बट इंग्लिश इज़ अ मेजर लैंग्वेज फॉर एवरी कंपनी एंड यू नीड टू कम्युनिकेट विद देम. ठीक है गाइस, किसी को कंफर्टेबल फील कराने के लिए, किसी से बात करने के लिए एक लैंग्वेज होता है, दैट इज़ योर मेन लैंग्वेज, दैट इज योर इंग्लिश एंड यू नीड टू डू दैट. नेक्स्ट, दैट इज़ योर रीड आउट वट एवर योर, यू नो अगर आप बुक्स रीड कर रहे हो तो बुक्स एटलीस्ट रीड कीजिए 5 to 10 मिनट्स every day. make a habit for that and read out loudly. ठीक है, अब जो ना लैंग्वेज का ऐसे जोर से मतलब बुक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, मन मन में मत पढ़ना.
ट्राई करना कि एटलीस्ट की मॉम बेटी कोई बेटा उनको आवाज़ सुनाई दे, पढ़ रहे हो प्रॉपरली, ठीक है. मेक अ हैबिट, आई नो दैट इज रियली बोरिंग, बट यू नो कुछ करने के लिए कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सो यू हैव टू डू इट, ठीक है. और आपको इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए चीज़ मेन चीज़ करनी है, रीड आउट करना है, बट बिकॉज ये आपको जो माउथ है ठीक है वो प्रॉपरली एक्सरसाइज करेगा हर दिन के, हर दिन बोल रहे हो इंग्लिश में, सो दैट इज रियली रियली नीडेड थिंग. यू हैव टू स्पीक बिकॉज यू विल बी योर यू नो योर माइंड सेट एंड योर बॉडी लैंग्वेज, योर सेट ऑफ टोन विल बी लाइक, यू नो यस आई कैन स्पीक इन अ लाउडर वे, दैट मेक्स यू फील कंफर्टेबल एंड दैट्स मेक यू फील कॉन्फिडेंट इनफ टू स्पीक इन अ फ्रंट ऑफ पीपल, ठीक है. सो से रीड आउट करना है, स्टार्ट कीजिए. नेक्स्ट दैट इज योर ऑब्जर्वेशन. फर्स्ट हमने करा यार प्रोनाउंसिएशन, दैट्स नेक्स्ट है आपका ऑब्जर्वेशन, वो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस. अगर ऑब्जर्व नहीं करोगे ना चीज़ों को, हर दिन आप देखते हो अपने फ्रेंड्स हैं या फिर आपके कोई मूवी देख रहे हो या फिर कोई भी यू नो कुछ भी आपने नोटिस किया, अपने फ्रेंड्स से कोई इंग्लिश का वर्ड देखा आपने, लाइक ओ वाओ यार कितनी अच्छी इंग्लिश है, एंड यू स्टक सम वर्ड फॉर दैट कि यस दिस वर्ड इज नाइस, कैच दैट वर्ड एवरी डे, ऑब्जर्व सम थिंग्स and do observe कीजिए and do imply in your apply on your life as well, apply in your sentences, in your communication skills as well. So observation या सबसे ज़्यादा important है, ठीक है. Observe कीजिए चीज़ों को और साथ साथ उसको apply कीजिए, ठीक है. Observation very important because it you know आप हर दिन कुछ ना कुछ learn करते हो, जैसे नए words तो learn करोगे, एक new style learn करोगे, new words, new style, the way of representing the things is very very important. बिकॉज कभी कभी आप म्यूजिक सुनते सुनते भी कुछ ऑब्जर्व करने जाते हो, कुछ सुनते हो, आप कुछ नया सुनते हो, म्यूजिक सुनते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और गाइस आप ऐसा भी कर सकते हो ऑब्जर्वेशन में, दैट ऑल्सो कम्स कि आप, मैं आपको प्रॉपरली अपना एक्सपीरियंस सजेस्ट करती हूँ, बिकॉज ये ना जब मैं इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए क्या करती थी पहले, वॉज स्टिल नॉट डूइंग ऑल दिस थिंग्स यार, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गए नॉल एंड ऑल, दिस इज नॉट लाइक दैट, बिकॉज यू नीड एवरी डे प्रैक्टिस एंड यू नीड यू नो आई रियली लव्ड इट. अब मेरे को एक हैबिट बन गया उसको करते करते. वट आई यूज टू डू, I used to watch on YouTube channel, I used to watch Priyanka Chopra is my favorite actor and I love the way how she speaks. I really loved it because the way she speaks in such a confident way, I really love it. Okay? So I see her all the interviews, okay? So that makes me, because I've seen all of them, I've seen all of, maximum of them I've seen. Okay? Because गाइज वो चीज़ देखिए जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है, पर वो हिंदी में नहीं इंग्लिश में होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है. वो चीज़ इंग्लिश में होनी चाहिए, उस चीज़ को ज़्यादा से करिए, या फिर कोई आपको कोई भी आपको अच्छी लगती है कोई भी चीज़ आज इनकी मूवी देखना चाहिए, सी दैट मूवी इन इंग्लिश, या फिर कोई रोमांटिक सॉन्ग्स, म्यूजिक, मूवीज, या कोई भी व्लॉग, जैसे आपको मेकअप व्लॉग पसंद है तो सी द व्लॉग जो चीज़ इंग्लिश में हो, ठीक है, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है. थर्ड थिंग पे जाते हैं, वो है राइट. Writing is very very important skills guys, because do write your things, ठीक है. अपना लिखिए, जैसे आज इनकी हमने पूरे दिन में क्या क्या चीज़ नोटिस करी, क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व करी, कौन कौन से न्यू वर्ड्स से, व्हाट यू हैव लर्न ऑन दैट डे, ठीक है. एंड मेक श्योर यू राइट समथिंग एवरी डे, ठीक है. इट्स कैन बी अबाउट योर हैबिट, इट कैन बी अबाउट योर डे, व्हाट यू डू स्पेंड पूरे दिन में क्या क्या किया आपने, इट माइट बी अबाउट दैट, बट मेक श्योर यू जो भी हमने वर्ड्स लर्न करिए, मेक श्योर यू मैंशन दैट, ठीक है. राइट एवरी डे, एंड बिकॉज राइटिंग इज सच अ हैबिट गाइज, बिकॉज लोग बोलते हैं कि हम याद कैसे रखें, ठीक है, बिकॉज देर सो मेनी वर्ड्स आर देयर. सो गाइज ये बोलूँगी रिमेंबरिंग के लिए सबसे ज़्यादा लिखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जब उसको लिखते हो ना वो चीज़ आपको याद हो जाती है, ठीक है. सो ये सारी मैटर करती है लिखना और उस चीज़ को याद हो जाएगी कंप्लीटली, ठीक है. इज टू राइट बिकॉज मैंने भी किया था ये चीज़ एंड आई रियली लव दैट थिंग. और वो सीक्रेट ऐसा कोई नहीं, आपको कोई देखेगा उस चीज़ को, ऐसा कुछ नहीं, आप लिखिए, ठीक है. I was in acting school, so I used to write my, that was my habit, okay? So, उस दिन मैं आके लिखती थी पूरे दिन की, पूरा लिखना होता था मेरे को कि स्टार्टिंग से फर्स्ट डे में क्या हुआ, मैंने क्या किया आज पूरे दिन में, आफ्टरनून में, मॉर्निंग में, लंच में, डिनर में, कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, एवरीथिंग आई यूज टू राइट इन इंग्लिश. सो गाइज मेक दैट हैबिट एंड डू राइट, ओके. सो गाइज द थ्री, सो आई हैव टोल्ड यू द थिंग्स विच आई रियली रियली थिंक विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. सो गाइज दिस इज डन, ठीक है. मैं एक और चीज़ बोलूँगी, प्रोनाउंसिएशन बता दिया मैंने आपको, ऑब्जर्वेशन बता दिया, सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट जो जो इंपॉर्टेंट है दैट इज योर राइटिंग स्किल्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी बता दिया मैंने आपको. अब जाता है कि यार अब गाइज हम करें क्या, ठीक है, हम स्टार्ट कहाँ से करें, लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं करें क्या, बिकॉज अभी मेरे को समझ भी नहीं है, ऐसा हो सकता है, ठीक है. सो वट आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू क्या करना है आपको,
जो आप हर दिन डेली रूटीन में कर सकते हो. फर्स्ट सी मूवीज, इंग्लिश मूवीज देख देख सकते हो ना बोल, या वो कोई किसी को पता क्या होता है, कार्टून्स भी पसंद होते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड इट. सो सी द कार्टून्स इंग्लिश में देखो, मूवी इंग्लिश में देखो, इंग्लिश सॉन्ग सुनिए, ठीक है. और आप साथ साथ क्या कर सकते हो, कोई भी आपको अच्छा लगता है, कोई व्लॉग अच्छे लगते हैं, किसी का वीडियोज अच्छे लगते हैं, सी दैट थिंग्स इन इंग्लिश. मेक श्योर, मेक इट हैबिट एवरी डे, टेक आउट टाइम फॉर एवरी थिंग एंड इट विल इम्प्रूव, ठीक है. इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज आने में गाइस, आप कोई भी लैंग्वेज लर्न कर रहे हो, फ्रेंच लर्न कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट दैट रियली नीड्स अ टाइम, ठीक है. यू हैव टू गिव अ टाइम फॉर योर सेल्फ और एवरी डे मेक इट अ हैबिट, ठीक है. एंड डू रिसर्च फर्स्ट कि आपको क्या करना है, ठीक है. अगर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है क्या क्या करना है, बट मेक रिसर्च कीजिए उस चीज़ के बारे में, उसके बाद जाके आप उस चीज़ के बारे में सर्च करिएगा, ठीक है. रिसर्च कर लो पहले कि क्या, कौन सी मेरे को वीडियो देखनी है आज, कौन सी मूवी देखनी है, थोड़ा वीक टाइम ले लीजिए. और उसके बाद क्रिएट अ रेगुलर शेड्यूल, ठीक है. क्रिएट अ रेगुलर शेड्यूल फॉर दैट कि आपको मुझे इस टाइम उसको देना ही देना है. मेक श्योर कि एक घंटा अपने इंग्लिश को दे ही रहे हैं, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. गाइस हैबिट बनाना इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ कि इंग्लिश इंप्रूव होगी, ठीक है. अगर बुक्स भी रीड आउट कर रहे हो, पिक अप सच बुक्स, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थिंग्स है, लाइक पिक्चर्स ज़्यादा है, कलरफुल ज़्यादा है, आप वो चीज़ ज़्यादा पिकअप कीजिए तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है. तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ना यार, अगर बिना इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़े ना बिल्कुल, लाइक ओ माय गॉड मेरे सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, सर में दर्द हो रहा है, सोने लग जाओगे आप सच्चे बता रहे हो. सो मैं सकता ये था, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें ही उठाना, कोई स्टोरी उठा लेना या कोई नॉवल उठा लेना जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मन करे इसको पढ़ने का, ठीक है. और गाइस मेक श्योर कि अगर आप इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर द पीपल हु आर सीइंग दिस वीडियो फॉर बिकमिंग अ कैबिन क्रू, सो आई वांट टू सजेस्ट यू गाइस, मेक श्योर कि आप अपने हर दिन अपने क्वेश्चंस लिखिए और क्वेश्चंस का आंसर लिखिए, ठीक है. सो आई बी मेकिंग वीडियो सून, मैं दो वीडियोज ऑलरेडी बना चुकी हूँ इस चीज़ के बारे में कि आप क्वेश्चन का कैसे कर सकते हो, बट आई बी मेकिंग वीडियो सून अगैन फॉर दिस. सो अपने क्वेश्चन का आंसर लिखिए, ठीक है, रीड आउट एवरी डे, पढ़िए उसको, याद करिए और फिर मिरर के साथ प्रैक्टिस कीजिए, ओके. दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू फॉर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश एंड अपलाइंग फॉर द बिकमिंग अ क्रू और बिकमिंग अ यू नो, प्रैक्टिस करना क्वेश्चन आंसर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट पे जाए, दैट इज योर कोई भी टॉपिक समय को जिसमें दे दे कि हाउ वॉन्ट वाई यू वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू और यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ, दीज आर टॉपिक्स राइट गाइज. सो डू मैंशन इट, आंसर योर क्वेश्चन कंप्लीटली, उसके बाद अपने फैमिली मेंबर किसी को सुनाइए या फिर मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए. थर्ड थिंग विच यू कैन डू दैट इज योर मेक कैमरा लीजिए, ठीक है, उसको ऑन कीजिए, फोन का कोई भी कैमरा लीजिए, ऑन कीजिए, उसके बाद अपना जो भी टॉपिक लिया है उसको स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ठीक है. सो टुडे माई टॉपिक इज दिस एंड स्पीक, मेक इट अ हैबिट. और लास्ट तक आपको देखोगे आप मंथ में आपको इंप्रूवमेंट देखेगी. अपने फर्स्ट वीडियो डिलीट मत करना, ठीक है, उस वीडियो को देखना, लास्ट वीडियो को देखना, आपको जमीन और आसमान का फर्क लगेगा, ठीक है गाइस. दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग विद यू, सो मेक श्योर यू डू ऑल दिस थिंग्स एंड डेफिनेटली इट विल इम्प्रूव योर इंग्लिश गाइस. तो टिल देन आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड आई रियली लव यू गाइज एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज गाइज, आई रियली नीड योर सपोर्ट गाइज. एंड टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू, लॉट्स ऑफ लव.